मेडिकल का सबसे बड़ा एग्ज़ाम नीट, 17 लाख स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम शेड्यूल 13 सितंबर को रखा गया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट के डर के चलते 19 वर्षीय एक छात्रा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं आपके दिमाग में चल रहा आपके एग्ज़ाम का प्रेशर और साथ ही साथ सरकार के कड़े फैसले। जैसे कि नीट एग्ज़ाम में सरकार ने तय किया है कि 17 लाख जो स्टूडेंट हैं वो 13 सितंबर को एग्ज़ाम देंगे। ऐसे में स्टूडेंट्स पर प्रेशर बनना लाजमी है और यहाँ पर हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है, हम बात कर रहे हैं आपके एयरफोर्स एक्स वाई के एग्ज़ाम के बारे में, तो आप देख रहे हैं कि शुरू से ही जैसे जैसे एग्ज़ाम टल रहा है तो ये आपके लिए एक बेहद ही सुखद समाचार कह सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना ही चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस समय जो कोविड-19 है, यदि उसके चलते आपका एग्ज़ाम हुआ तो चाहे कितने भी सावधानी बरती जाए वहाँ पर प्रॉब्लम होगी ही, और एक साथ इतना ज़्यादा बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और एक दूसरा और भी रीज़न है, जैसे कि बिहार, आसाम, नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ से हालात बहुत ही ख़राब हैं और ऐसे में वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एग्ज़ाम सेंटर तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो ऐसे में आपका एग्ज़ाम अगर आगे भी पोस्टपोन होता है, आगे भी टलता है, तो ये बैड न्यूज़ नहीं बल्कि एक गुड न्यूज़ होगी आपके लिए। देखिए, ऐसे में दो चीज़ें सामने निकल कर आती है। एक तो ये कि जो स्टूडेंट गरीब हैं और फंसे हुए हैं बाढ़ वगैरह में, वो तो अपने एग्ज़ाम सेंटर तक नहीं जा पाएंगे, और साथ ही साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता बोलेंगे कि नहीं, आपको एग्ज़ाम देना ही देना है। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों तरह से आपके माइंड में प्रेशर बनता है, और साथ ही साथ प्रेशर न बने इसके लिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए। और देखिए, कभी भी सुसाइड जैसे ख्यालात आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए, चाहे आपकी परिस्थिति कितना ही ख़राब हो। एक चीज़ जान लीजिएगा कि किसी भी हालात में जीवन का एक निश्चित अर्थ होता है, भले ही वे हालात कितने ही दुखमय क्यों ना हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, और साथ ही साथ हो सके तो आप डेली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज किया करिए ताकि आप मेंटली और साथ ही साथ फिज़िकली फिट रहें। और आपके एग्ज़ाम की तैयारी हमारे इसी चैनल पर कराई जा रही है, प्रैक्टिस सेट्स भी कराया जा रहा है। आप पूरी ईमानदारी से यदि लगे रहेंगे तो कभी भी आपके दिमाग में प्रेशर नहीं बनेगा, और जब प्रेशर नहीं बनेगा तो आप टेंशन फ्री होंगे। कभी भी यदि बात करें एग्ज़ाम से और लाइफ से, एग्ज़ाम वर्सेस लाइफ, तो लाइफ का पल्ला हमेशा भारी रहेगा। आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वो टॉप 10 में आते हैं, अमीरों की लिस्ट में। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो ज़िंदगी कभी भी एक एग्ज़ाम से तय नहीं होती है। ऐसे में आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, एक्सरसाइज करना है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, और कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। सुसाइड जैसे ख्यालात मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कभी मत अपने लाइफ में लाइएगा, और कभी लगे ऐसा कुछ गलत नेगेटिव तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर बातें कर सकते हैं, अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं, या अपने जो सगे संबंधी हैं उनसे आप अपने विचार विमर्श कर सकते हैं। जीवन में हर परिस्थिति में आपके जीवन का कुछ ना कुछ अर्थ ज़रूर निकल कर आता है। मोटिवेटेड रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, इंस्टाग्राम पर हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आपके अंदर एनर्जी भरते रहेंगे। ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए, जागरूक रहिए, जिंदा रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।